आज शुक्रवार को पीटीआई टीचर एवं भारतीय किसान यूनियन ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पीटीआई टीचरों एवं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि करनाल के लघु सचिवालय के सामने लंबे समय से धरने पर बैठे पीटीआई टीचर एवं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं द्वारा आज केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 अध्यादेशों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है। इस अवसर पर किसान नेता सेवा सिंह आर्य ने कहा कि यह अध्यादेश आने से किसान बर्बादी के कागार पर पहुंच जाएगा। उसकी फसल खरीदने के लिए एवं उचित मूल्य देने के लिए सरकार द्वारा कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई गई है, इसीलिए पूरे देश में आज बंद का आह्वान किया गया है। इसी कड़ी में करनाल के लघु सचिवालय के सामने किसानों द्वारा एवं पीटीआई टीचरों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। पैसा सभी के सब पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा सारे जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वो सारे प्राइवेटिज्म और पूंजीपतियों के लिए बनाए जा रहे हैं और इस देश की जनता आम आदमी मतलब बर्बाद होने के कगार पर पहुंचा दिया है। ये जो तीनों अध्यादेश ला करके इन्होंने किसानों के सीधे वारंट जारी कर दिया, डेथ वारंट, ताकि हम दूसरे पूंजीपतियों के हाथों में लुटते रहें। इसीलिए आज हमने ये रोज शाहरुख यहाँ पर पुतला फूंका है। सर, 3 अध्यादेश सरकार द्वारा लागू किए हैं, उससे किस तरह का नुकसान देखने को मिलेगा? उससे एक तो मंडी खत्म हो जाएगी, जब वो मंडी खत्म हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनियों के काबू आ जाएंगे हम, और वो अपनी मनमर्जी से हमारे अन्न की धन की जो भी है वो कीमत है वो लगाएंगे। दूसरा के मजदूर खत्म हो जाएंगे, आड़ती खत्म हो जाएंगे, और जो लगातार पीटीआई इत्यादियों को निकाला जा रहा है, ये पीटीआई जो है सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्र के 90% बच्चे होते हैं और उनको एक तरफ तो लगाया जाता है, दूसरी तरफ दूसरी सरकार आती है उसको हटा दिया जाता है। तो इनका कसूर नहीं है, कसूर है या लाने वाले का या हटाने वाले का। पीटीआई ने अपनी मतलब वो शैक्षणिकता के आधार पर वो नौकरी लगे थे उनको निकालना इस सरकार का निकम्मापन साफ जाहिर करता है। आपके दौरान यहाँ क्या किया गया? हम ये कहना चाहते हैं कि तीनों अध्यादेश तो वापिस लिए जाएं और सभी जितने कर्मचारी चाहे पीटीआई हो, पुलिस वाले हो, दूसरे जो लगे हुए थे उन सबको वापिस लिया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.